हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKT चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने आज कमेंट सेक्शन में एक ही चीज़ मुझे सुबह से कंसिस्टेंटली मेरे कमेंट बॉक्स में आ रही थी कि सर, हमारे साथ धोखा हो चुका है, हम लोग ऑलमोस्ट अभी बर्बाद हो चुके हैं, हम लोगों ने अभी क्या करना चाहिए। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 70 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे फ्लड कर दिया था, भर दिया था कमेंट सेक्शन पूरा कि यहाँ पे हम लोगों के साथ यहाँ पे धोखा हो चुका है, हम लोगों ने यहाँ पे इस शेयर में क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर दिए। शायद से लेटेस्ट वीडियो बैंकिंग से रिलेटेड आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा क्योंकि दिक्कतें कुछ चल रही है। सो बैंकिंग शेयर्स में बहुत बड़ी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल रही है, सो इसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाया है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो नहीं मिला होगा, नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा, सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ दोनों वीडियोस का, तो ज़रूर उन दोनों वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं हमारे नॉर्मल टॉपिक के ऊपर और कंटिन्यू कर लेते। बहुत सारे लोगों ने बोला है सर, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब हमारा पोर्टफोलियो में जो शेयर था लगभग आज 77% या फिर रफली पकड़ सकते 80% तक यहाँ पे टूट चुका है एंड हम लोग यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं। सो क्या हम लोगों ने अभी स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए? सो दोस्तों, मैं वापस कह रहा हूँ, आप लोगों ने कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। कोई ने किसी ने आप लोगों को फंसाया नहीं है बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को आज उल्टा प्रॉफिट हुआ है। यस फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ जिस शेयर से रिलेटेड बात सामने आ रही है। आप देख सकते हो आर्कॉन इंटरनेशनल। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स पूछा था क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1 अप्रैल को ये शेयर चल रहा था 393 का। यस दोस्तों, 393 रफली आप पकड़ लेते हो, चलो 400 पे चल रहा था एंड सडनली आज आप देख सकते हो 3 अप्रैल को यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी 80 के आसपास, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को यहाँ पे झटका लग चुका था, इतनी ज़बरदस्त गिरावट, मतलब 3 डिजिट पे चलने वाला शेयर यहाँ पे आ चुका है डायरेक्टली 90 के यहाँ पे, तो हम लोगों को पूरा लॉस ही हो चुका है। हमारा जो पोर्टफोलियो में जो हम लोग डेटा चेक करते हैं हमारे डीमैट अकाउंट में, ना तो शेयर्स यहाँ पे कुछ दिख रहे, जितने शेयर्स थे उतने ही थे एंड यहाँ पे पोर्टफोलियो नेगेटिव हो चुका है। सो पहले ही नेगेटिव था और ज़बरदस्त झटका यहाँ पे लग चुका है, तो हम लोग यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं। सो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, ये यूजुअली प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होती है जो लोग स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं एंड उन्होंने यहाँ पे स्टॉक मार्केट में निवेश किया है। सो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है स्टॉक स्प्लिट करके। यस दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट करके कंसेप्ट है एंड यही आज आपके साथ हुआ है। मतलब जो पहले एक शेयर आपके पास हुआ करता था, मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ, एक शेयर पहले 400 का हुआ करता था, वो अभी आप लोगों को पोर्टफोलियो में दिख रहा है फॉर एन एग्जाम्पल 80 का। सो 80 का आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बट ऐसा नहीं दोस्तों, वो एक पहले शेयर आपके पास था, अभी उसके 5 शेयर आपके हो जाएंगे। यस, तो अगर आप देखोगे कि 1 × 400 तो आपको आंसर मिल जाएगा 400। सो 80 × 5 अगर आप करो दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 400। मतलब जितना आपके पास अमाउंट था उतना ही अमाउंट आपके पोर्टफोलियो में हो जाएगा। इनफैक्ट ये नंबर ऑफ शेयर्स आपके जो पहले एक थे अभी वो 5 बढ़ जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी खासी बात आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गया एंड ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको लोगों को प्रॉफिट कैसे हो रहा है। सो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, ये चार्ट पैटर्न अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो जो कि 393 पे चल रहा था एंड सडनली इतना ज़बरदस्त शार्प गिरावट होके वो 100 के नीचे अभी स्टॉक आ चुका है। सो आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पे रिलैक्स रहना चाहिए। आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, बट सर हमारे पोर्टफोलियो में तो शेयर दिख ही नहीं रहे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि एक झटके में आप लोगों के शेयर्स पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, इसके लिए आप लोगों को टाइम लगेगा। डीमैट अकाउंट में आप लोगों को लगभग कंपनी को 30 दिन का टाइम यहाँ पे देना चाहिए, 30 दिन का। हालांकि देखा जाए तो 30 दिन तक नहीं, उससे पहले ही शेयर्स आ जाते हैं, बट यस स्टिल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1 महीने का आप लोगों ने वेट करना चाहिए, 10 से 15 दिन। इनफैक्ट आप लोगों को कभी कभी विद इन अ वीक में भी आपके शेयर आपके पोर्टफोलियो में बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मतलब मेरे पास अगर एक शेयर रहेगा तो यस आपके अभी शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स 5 हो जाएंगे। क्या मेरे पास 10 शेयर है तो इसका अर्थ मेरे पास 50 शेयर हो जाएंगे? यस दोस्तों, जितने भी शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 5 आपको करना है तो उतने शेयर्स आपके आपको पोर्टफोलियो में मिल जाएंगे। सो ये अच्छी बात है जो कि हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है क्योंकि आर्कॉन जैसी अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो स्मॉल कैप से जुड़ी हुई कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, आप लोगों ने डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो एक गिरावट है आप लोगों के लिए सबसे पहली बात रहेगी, जैसे मैंने आप लोगों को कह दिया यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हुआ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसीलिए अगर आप लोगों को और भी डाउट है, चलिए मेरी बात तो छोड़ दीजिए, NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए, आप यहाँ पर देख सकते हो आर्कॉन का शेयर यहाँ पर हम लोगों ने ओपन किया है
आप यहाँ पे पढ़ सकते हो आर्कॉन इंटरनेशनल। एंड यहाँ पे आप देखोगे इसका प्राइजिंग, सो प्राइजिंग 91.50 देख रहा है। उसके बाजू में आप लोगों को एक फाइल देखने को मिल रही है, इसके ऊपर अगर आप कंप्यूटर में ओपन करना चाहिए एंड इसके ऊपर अगर आप कर्सर रख दोगे सो ये सारा माजरा आपको बता देगा कि आप लोगों का जो शेयर है 400 का वो आज 90 देखने को मिल रहा है। सो आपको लॉस नहीं हुआ है, ये स्प्लिट की वजह से हुआ है। सो आप लोगों ने चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में जो आपका डीमैट अकाउंट है उसमें वो 5 शेयर आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सो ये न्यूज़ है दोस्तों, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना चाहिए। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देख भी लेते हो इंट्राडे का चार्ट पैटर्न, सो प्रीवियसली क्लोज हुआ था 393 का, ओपन ही हुआ 80 के आसपास। सो बहुत सारे लोगों को झटका लग चुका था, मैंने वापस कह रहा हूँ जो लोग नए हैं या ऐसा होता रहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने स्टॉक मार्केट शुरू किया था। बोनस स्प्लिट ये हमारे लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट रहता है, तो हर एक एक्सपीरियंस हम सभी लोगों के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है जो अलग होता है। अगर हाई देखोगे 93.70 का एंड लो देखोगे तो 82.45 का। तो चलिए दोस्तों अभी आप लोगों को और भी आउट क्लियर हो जाएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी ये शेयर फिलहाल चल रहा है 90 रुपये के आसपास, अगर आप इसका लो देखोगे तो आप देख सकते 58 का लो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो 58 तक तो शेयर कभी गया ही नहीं था, सो 58 कैसे आया, तो ये एडजस्टेड अमाउंट है। अगर आप 58 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे तो आप लोगों को वापस ये ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगा जो कि स्प्लिट के पहले आप लोगों को देखने को मिल रहा था। अगर 52 एक हाई की बात करोगे तो 119 अप्रॉक्सीमेटली 120 का हाई हम लोगों को देखने को मिलेगा। सो ये एडजस्टेड प्राइस है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जाके हम लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते कि शेयर यहाँ पे कितना हो चुका है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग 3 अप्रैल की बात देखें तो यहाँ पे 30% के आसपास डिलीवरीज उठाई गई है। सो कंपनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे सर इसने मुझे ये स्टॉक बताया आज मैं बर्बाद हो गया, 70% 80% स्टॉक नीचे आ गया। सो ऐसा किसी ने आप लोगों को झूठ नहीं बोला है, किसी ने आपको बर्बाद नहीं किया, ये स्टॉक अच्छा ही है। ये स्प्लिट का कंसेप्ट आप लोगों को इससे आप वाकिफ नहीं थे जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। सो स्टॉक मार्केट में ऐसा होता रहता है दोस्तों जो कि आपके एक्सपीरियंस के लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है। कंपनी के रिजल्ट भी देखोगे क्वार्टरली, तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार थे कंपनी के, बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट पेश किया था। अगर कॉर्पोरेट एक्शन देखना है सो दोस्तों आपके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे कंपनी ने बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो 2019 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है, 2020 में भी फेब में कंपनी ने डिविडेंड दिया था। एंड यहाँ पे आप नज़र डाल सकते हो, मैं बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है फेस वैल्यू, यहाँ पे स्प्लिट हुआ है, सब डिविजन हुआ है फ्रॉम न ₹10 to ₹2। सो पहले 10 रुपये का फेस वैल्यू था जो कि अभी 2 का हो चुका है, मतलब आप लोगों के पास अगर एक शेयर रहेगा तो उसके बदले में 5 शेयर आपको मिलने वाले। सर मेरे पास 100 शेयर थे, क्या मुझे इसके बदले में 5 शेयर मतलब 500 शेयर मिलेंगे? यस दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे 500 शेयर हो जाएंगे। सो यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय जितना मार्केट प्राइस पर शेयर अभी चल रहा है, अभी आप देख सकते हो अच्छा खासा रिटर्न इनफैक्ट आप लोगों को मिलने वाला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं तो कंपनी का शेयर आप सभी लोगों को पता है 89% तक के शेयर प्रमोटर के पास है, एंड प्रमोटर कौन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे से जुड़ा हुआ शेयर है हम लोग ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा हुआ है जो कि हम लोग कह सकते हैं इंडिकेशन इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। उसी के साथ साथ अगर आप विकिपीडिया के ऊपर भी जाओगे तो नाम से ही पता चल जाता है आर्कॉन इंटरनेशनल, नाम ही बताया इंटरनेशनल, मतलब इसके प्रोजेक्ट है वो इंटरनेशनली भी आप लोगों को देखने को मिलने वाले, सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पे करते हुए देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ तो ये PSU यस गवर्नमेंट से रिलेटेड जुड़ी हुई कंपनी, जैसे मैंने कहा इंडियन कंपनीज है रेलवे से जुड़ी हुई ऐसा आप बोल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो रेलवेज कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसी का ये फुल फॉर्म है आर्कॉन। सो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ये आ जाती है, होली ओनेड एंटिटी है 100%। सो आप लोग यहाँ पे सारी डेटा यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं जिससे आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इंडस्ट्री देख सकते हो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, उसी के साथ साथ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नीचे और जाओगे तो आप लोग ये कहाँ कहाँ काम करती, सर्विसेज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इनका बिजनेस है, सर्विस करती है। उसी के साथ साथ अगर आप नीचे जाओगे तो एरिया ऑफ बिजनेस, एरिया ऑफ बिजनेस मतलब कहाँ कहाँ इनके बिजनेसेस है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो ये क्या क्या बिजनेस क्या लाइन है इनके, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रिज बनाना, उसी के साथ साथ टनल्स बनाना, बहुत सारे अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे से रिलेटेड जितने भी काम है, हाईवेज बनाना, ये सारी चीज़ें ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। मेजर प्रोजेक्ट्स अगर आपको देखने तो अफगानिस्तान ईरान, यहाँ पे इन कंपनी ने मेजर प्रोजेक्ट का काम किया था। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल कंपनी है, मलेशिया में काम किया था, उसी के साथ साथ इंडिया में अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में किया था, अगर हम लोग और नीचे जाए तो इंडिया के बिहार में किया था। सो बहुत बड़ी लिस्ट है, आप यहाँ पे आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो। माइलस्टोन भी आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने कितने कितने बड़े काम यहाँ पे किए, टोटल
ट्रैक से रिलेटेड कितने लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने कंप्लीट किए हुए हैं। कंट्रीज ऑफ ना ऑपरेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कितनी सारी कंट्रीज़ में ये कंपनी काम करती है, सिर्फ इंडिया में नहीं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कस्टमर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके कौन कौन कस्टमर्स है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसकी सब्सिडरीज भी आप कंपनीज दे सकती हो, देख सकते हो। तो यही बताना चाहता हूँ, कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी रख चुके हो, सो कोई भी टेंशन वाली बात आप लोगों ने नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जैसे मैंने वादा किया था कि इनफैक्ट आप लोगों को लॉस नहीं हुआ है, इनफैक्ट आप लोगों को आज बहुत गजब का प्रॉफिट हुआ है, वो कैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे 393 का ये शेयर प्राइस चल रहा था, अगर आप इसको डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो आपके सामने डेटा आ जाएगा कि इसका शेयर प्राइस कितना था। तो यहाँ पे मैं 393 ले लेता हूँ, मेरे सामने कैलकुलेटर है, एंड डिवाइड बाय 5 करने की कोशिश कर लेता हूँ। 393 डिवाइड बाय 5 तो आ जाते 78 के आसपास अमाउंट आ जाता है, मतलब इस शेयर का प्राइस 78 था एंड आज यहाँ पे हो चुका है 91। सो लगभग 16% का रिटर्न ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों। यस, बहुत ही गजब का रिटर्न आप लोगों को मिल चुका। जैसे शेयर आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त पोर्टफोलियो आप लोगों का यहाँ पे पॉजिटिविटी में इस शेयर के द्वारा हो जाएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, ये गलत फहमी मत पाल लेना कि आप लोगों को अभी फिलहाल आपका कोई भी डीमैट अकाउंट हो उसमें आप लोगों को ये स्टॉक फिलहाल तो नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, लॉस में देखने को मिलेगा, बट प्लीज़ इनफैक्ट ये स्टॉक आप लोगों को एक्चुअल में पॉजिटिविटी दे रहा है, अच्छे खासे रिटर्न दे रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 100 के नीचे मिलने वाला ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे आप लोगों का ये भी सवाल था कि यहाँ पे मुनाफा कैसे हम लोगों का बढ़ेगा यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, पहले अगर आपके पास एक शेयर था कितने रुपए का, फॉर एन एग्जांपल रफली पकड़ लेते 400 रुपए का, सो सिर्फ एक ही शेयर था, अगर 400 रुपए का शेयर अगर 401 हो जाता है, कितना, 400 रुपए का शेयर, सिर्फ 1 रुपया उसमें इजाफा हो जाता है, तो आपका प्रॉफिट कितना, सिर्फ 1 रुपया, क्योंकि आपके पास एक ही शेयर तो था, सिर्फ 1 रुपये का प्रॉफिट। बट दोस्तों, अभी ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे, अभी आपके पास पोर्टफोलियो में 5 शेयर हो जाएंगे। यस दोस्तों, ये स्प्लिट के बाद हम लोग कह सकेंगे एक के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। एंड अभी अगर वो शेयर, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने कहा, ये 78 का सिर्फ 79 भी हो जाता है, सो आपका मुनाफा कितने से बढ़ेगा, सिर्फ 1 रुपये से नहीं, अभी मुनाफा बढ़ेगा 5 रुपये से। यस दोस्तों, क्योंकि आपके पास 5 शेयर हो चुके हैं। एंड यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल लेना दोस्तों, 78 का शेयर यहाँ पे 91 हो चुका है, मतलब 12 रुपया, 12 से 13 रुपया आपका यहाँ पे बढ़ चुका है। एंड पहले आपके पास 13 रुपया अगर बढ़ जाता तो एक ही शेयर था आपके पास, सिर्फ एक ही शेयर था तो 13 रुपये का प्रॉफिट, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी 13 रुपया मल्टीप्लाई बाय 5 तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रफली 65 टू लेके 70 तक का मुनाफा आप लोगों को यहाँ पे हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ ना स्प्लिट। सो इतना गजब का मुनाफा आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, एंड जितना अभी ये शेयर भागेगा उतना ही प्रॉफिट आप लोगों को होने वाला है। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा, आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, आपके एक्सपीरियंस ये कंप्लीटली आपके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था, सर मैं स्टॉक मार्केट छोड़ रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त मैं यहाँ पे अटक चुका हूँ। कुछ अटक गए नहीं गया, इनफैक्ट आप लोगों के शेयर जब अकाउंट में आ जाएंगे तो बहुत ही गजब का प्रॉफिट आप लोगों को दिखने वाला है। सो ये फर्स्ट टाइम है आपके हिसाब से, एंड इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, इसको बोलते हैं स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट, जहाँ पे फेस वैल्यू को डिवाइड किया जाता है, उसी के साथ साथ बोनस करके भी कंसेप्ट आ जाता है, जो भी बिल्कुल सेम ही रहता है, जहाँ पे आप लोगों को शेयर प्राइस ऐसे नीचे धड़ाम से गिरती हुई देखने को मिलने वाली है। सो इन दोनों का डिफरेंस वो कंपनी के हिसाब से रहता है, रिजर्व्स के हिसाब से रहता है, फेस वैल्यू के हिसाब से रहता है, उसमें आप लोगों का कोई कंसर्न नहीं है। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, अच्छा खासा शेयर आपके पोर्टफोलियो में, गलती से भी इसको निकालने की ये ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप अगर आप सोच रहे हो कि मैं लॉस हो रहा हूँ एंड इसीलिए निकाल रहा हूँ। सो यही बताना चाहता हूँ, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, किसी ने आप लोगों को नहीं फंसाया, अच्छा खासा स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हो। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल भी पढ़ना है, बोनस कैसे रहता है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो कि बोनस में भी ऐसे ही सिचुएशन रहती है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट कैसे हो जाता है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।